हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ये हमारे क्लास 9th NCERT का एक्सरसाइज 1.4 है, जिसमें कि बस दो क्वेश्चन दिया है। तो आज हम ये दोनों क्वेश्चन कवर करते हैं इस वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है, किस तरीके से? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। देखिए, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का क्या तरीका होता है नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को शो करने का? पहले आपको किसको शो करना है? 3.765 को शो करना है ना। तो आप क्या करिए, 0 से लेके 10 तक का लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए, 3.7 है, समझ लीजिए 3.7 है, तो किसके किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो आप 3 और 4 को क्या करिए, हाईलाइट कर दीजिए, सर्कल बना दीजिए। ओके, फिर देखिए 3 और 4 के बीच कितना नंबर आएगा? 10 नंबर आएगा। कौन कौन सा? 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। तो 3 और 4 के बीच का ये नंबर हो गया। फिर आप इसको नंबर लाइन पे बना लिए। अब देखिए, आपको क्या लेना है? 3.7 लेना है। तो आप क्या करिए, 3.7 को सर्कल से हाईलाइट कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है? 3.76 है। अब देखिए, 3.76 किसके किसके बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। तो 3.7 और 3.8 के बीच कौन कौन सा नंबर आएगा? 3.70, 3.71, यहाँ से लेके 3.80 तक आपका नंबर आएगा। अब उसमें से आपको क्या लेना था? 3.76 लेना था। तो उसको सर्कल से हाईलाइट कर लीजिए। फिर यहाँ लिख दिए विजुअलाइज 3.76, मतलब 3.76 तक अभी आपका बना है। लेकिन आपको एक डिजिट और लेनी है, 3.765 लेना है। अब देखिए, 3.765 किसके किसके बीच में आएगा? 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो इन दोनों के बीच का नंबर आप लिख लीजिए, क्या क्या आएगा? 3.760, 3.761, 3.762, ऐसे कंटिन्यू करते करते आपको 3.770 तक आएगा। अब देखिए, आपको क्या लेना था? 3.765 यहाँ लेना था। तो इसको सर्कल से हाईलाइट करिए। तो आपका आ गया विजुअलाइज 3.765। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर एंड होता है। चलिए इसी तरह देख लेते सेम दूसरा क्वेश्चन है, उसको कैसे शो करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यहाँ आपको 2 तक दिया है, लेकिन 2.6 के ऊपर क्या बार लगा दिया है, इसका मतलब 2.6 2.6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको कितना तक लेना है? 4.26 2.6 तक आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले देखिए, 4 किसके किसके बीच में आएगा? 4.2 किसके किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। तो पहले 1, 2, 3, 4 10 तक बना लीजिए। 4 और 5 को हाईलाइट करिए। 4 और 5 के बीच आएगा। तो 4 और 5 के बीच कौन कौन सा नंबर आएगा? 4.0, 4.1, 4.2, ऐसे लेके 5.0 तक आएगा। आपको क्या लेना है? 4.2 लेना है। तो 4.2 बना लिए। अब आपको उसके बाद क्या लेना है? 6 लेना है। तो 4.2 और 4.3 के बीच आएगा 4.26। तो 4.2 और 4.3 के बीच कौन कौन सा नंबर आएगा? 4.20, 4.21, 4.22 और पूरा आपका आएगा 4.30 तक। तो आप यहाँ क्या ले लिए? 4.26 ले लिए। अब देखिए, फिर आपको क्या लेना है? आगे 2 लेना है, क्योंकि यहाँ बोला था अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आप क्या करेंगे, फिर 4.26 के बाद क्या आएगा? 4.26 से लेके 4.27 के बीच का नंबर लिख लेंगे। तो क्या आएगा? 4.260, 4.261 से लेके 4.270 तक आपको लेना था 4.262। तो आपका ये नंबर यहाँ है 4.262, इसको सर्कल से हाईलाइट करिए। फिर आपको क्या लेना है? 6 लेना है। तो फिर क्या लिखेंगे आप? 4.262 से लेके 4.263 के बीच का नंबर आएगा। तो क्या क्या आएगा? 4.2620, 4.2621 से लेके 4.2630 तक आपको लेना क्या है? 4.2626। तो आपका ये नंबर कहाँ है? यहाँ पे 4.2626 आपका आ गया विजुअलाइज 4.2626 बार। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारे यहीं पे एंड होती है, क्योंकि इसमें केवल 2 क्वेश्चन थे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। नोट्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल और पेटीएम नंबर दिया है। 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से जिस भी स्टूडेंट को नोट चाहिए, वो मेरे पेटीएम पर ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे जीमेल पर या मेरे कमेंट सेक्शन में भेज दे। मैं उसको विद इन 1 आवर्स उसके जीमेल पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।